नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKV Academy में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हमारे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये सभी इस क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ो और नोट डाउन करो। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। नीचे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मिजोरम। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नागालैंड, जो कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 16, बी 12, सी 10, डी 8। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में इसे 12 कर दिया। तो ये 8 तो गलत है और 12 सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो ये पूछ रहा है कि संविधान, जिस समय संविधान की रचना हुई उस समय 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी वो मतलब कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जैसे चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए बोडो, बी सिंधी, सी कोंकणी, डी कश्मीरी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी कश्मीरी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए तीसरी, बी दूसरी, सी चौथी और डी पहली। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तीसरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। ये पूछ रहा है कि हमारे किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। इसने ऑप्शन दिए हैं, ए अंडमान और निकोबार द्वीप, बी पांडुचेरी, सी दमन और दीव, डी चंडीगढ़। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पांडुचेरी, जिसमें विधानसभा है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहली, यानी डी ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। देखो भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, जो हमारी हिंदी है वो भारत की राजभाषा तो है, लेकिन अभी तक भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो बच्चों ध्यान से, मतलब ध्यान रखना और याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। तो किसके मार्गदर्शन में हुआ था ये हुआ था आपका, ए ऑप्शन है अवीन्द्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी विनोद बिहारी मुखर्जी और डी नंदलाल बोस। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा डी, नंदलाल बोस। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और शांति निकेतन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शांति निकेतन। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। भारतीय संविधान के कौन से राज्य में नए राज्यों के गठन का उल्लेख है या नए राज्यों के गठन के विषय में है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था, यानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए रफ़ी अहमद किदवई, बी कैलाशनाथ किदवई, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, पहला ए अनुच्छेद दो, बी अनुच्छेद सात, सी अनुच्छेद पाँच, डी अनुच्छेद तीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुच्छेद तीन। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं पर जो सन वाले क्वेश्चन हैं ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950 और डी 26 जनवरी 1949। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी 24 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो ये पूछ रहा है जब सबसे पहली बार इसे अपनाया गया संविधान को तो इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए 395, बी 440, सी 415, डी 375। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए 395, इसे ध्यान रखना और याद रखना इसे कि संविधान को जब पहली बार अपनाया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है इसका, सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है इसका? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 6वीं, बी 8वीं, सी 5वीं और डी 4थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 4थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो बच्चों जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी एक तरह से जब साइन किए गए थे, तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, 284 सदस्यों में महिलाएं कितनी थी? इसमें हम ऑप्शन दे रखे हैं ए 30, बी 20, सी 15, डी 25। तो जो इसका आंसर है सी हो जाएगा 15, 15 महिलाएं थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? इसमें हमें दे रखे हैं पी पंचवर्षीय योजना, क्यू मौलिक अधिकार और आर मौलिक दायित्व। और ऑप्शन है ए केवल पी और आर, बी केवल क्यू और आर, सी पी क्यू और आर सभी या डी केवल पी और क्यू। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा केवल पी और क्यू, ओ सॉरी पी और आर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए और वो पी और आर, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी ना, संविधान सभागृह में हुई थी, उसे अब कहा जाता है? ऑप्शन ए है संसद भवन एवं केंद्रीय कक्ष, बी लोकसभा कक्ष, सी राज्यसभा कक्ष और डी पुस्तकालय भवन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अगला क्वेश्चन, इनमें से डैश 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 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए भारतीय संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, सी भारतीय सरकार अधिनियम 1858 और डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ना डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बच्चों ये हमारे
20 क्वेश्चन थे जो कि संविधान के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। इन पर एक बार और दृष्टि डाल लेते हैं, ठीक है? शुरू से तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो बच्चों इसका ऑप्शन था ए नागालैंड, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो बच्चों इस समय 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? तो इसका आंसर था डी कश्मीरी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर था बच्चों ए तीसरी। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो इसका आंसर है बी पांडुचेरी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है, तो इसका आंसर है डी पहली। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? बच्चों मैंने बताया था भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, भारत की राजभाषा है हिंदी। अभी तक भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? इसका आंसर डी नंदलाल बोस। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो बच्चों इसका आंसर है डी शांति निकेतन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था? इसका आंसर है सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त बना? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 3। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो बच्चों इसका आंसर है बी 24 जनवरी 1950। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो बच्चों मैंने बताया था इसमें 395 अनुच्छेद थे। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर डी चौथी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो बच्चों 284 सदस्यों में कितनी महिलाएं शामिल थी? ये थी सी 15। इसका आंसर हो जाएगा सी 15 महिलाएं शामिल थी। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? इसका आंसर मैंने आपको बताया था ए केवल पी और आर, यानी पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब कहा जाता है? इसका आंसर है ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन थे संविधान के जो कि हमारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस परीक्षा में आए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना और इन्हें नोट डाउन करना, कहीं पर लिखना जरूर, अपनी कॉपी में नोट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाए, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो बच्चों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पर, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।